घबराए हुए थे कल बीजेपी वाले, और राहुल गांधी ने सबसे पहले जब शिवजी भगवान की फोटो सामने की और गुरु नानक की और उनके पास सामने वालों के पास कोई शब्द नहीं थे कहने को, और फिर उन्होंने राहुल जी ने कहा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अयोध्या से जीत के आए हैं, ये अपने आप में एक भगवान का इशारा है, स्वयं जन्मभूमि जो राम जी की जन्मभूमि है वहां से हमारे साथी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, ये अपने आप में संदेश है कि भगवान सबके हैं, ना केवल बीजेपी के हैं, सबके हैं। तो जब हिंदू धर्म की जब बात करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है ये आपका बीजेपी वालों का हिंदू धर्म अलग से आप जो कहते हो ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म वो है जो अहिंसा के खिलाफ है, जो किसी को डराता नहीं है, और वो केवल बीजेपी वालों की बात कर रहे थे। आज मीडिया के और ट्विटर हैंडल से ये कहने की बात की गई है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं हिंदुओं के खिलाफ है, उन्होंने हिंदू की बात अलग से की, ऐसा नहीं है। हमने ये कल मैंने भी अपने भाषण में कहा कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सिख हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, राहुल गांधी जी का कहना था ये भगवान के जो सिंबल है, ये त्रिशूल का जो सिंबल है, ये गुरु नानक के जो हाथ का सिंबल है, ये सबके लिए सबको साथ लेकर चलने का ये इशारा है, सबको मिलकर रहना है, आपस में किसी को बांटने का काम नहीं करना है, ये तमाम चीजें राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप हिंदू हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये पहले भी ऐसा इन्होंने किया कि हम हिंदुओं के खिलाफ है, हम कतई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम सब धर्मों को, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने हमें सिखाया गया है कि हम सेकुलर हैं और हमारा जो भगवान है, बेशक मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को मानता हूं, मैं सिख हूं, लेकिन सिख धर्म में यह सिखाया गया कि सर्व धर्मों का आपने सम्मान करना है। ये जाति में बांटने वाला काम, ये एक अलग धर्म की बात करने वाला काम, ये केवल बीजेपी करती है क्योंकि इनको सूट करता है। ऐसी राजनीति करके इन्होंने देश के अंदर एक ऐसा माहौल खराब कर दिया, देश को तोड़ने की बात की। मैंने भी कल गुजारिश की देश की पार्लियामेंट में, मैंने कहा कि पंजाब के अंदर कभी हमारा भाईचारा खराब नहीं हुआ, आपने इस बार कोशिश की, कभी आप मंगलसूत्र की बात की, कभी आपने कब्रिस्तान की बात की, आप ऐसा मत करें, ये देश को तोड़ने की बात है, देश को जोड़ने की बात नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, चाहे कोई हिंदू को मानता है, चाहे कोई सिखों को मानता है, सिख धर्म को मानता है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है, हम सबका खून का रंग लाल है, हम सबसे पहले इंसान है, हमारे अपने गुरुओं को मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम इंसान है और भगवान एक है, चाहे वो राम जी के रूप में देख लो, चाहे गुरु नानक के रूप में देख लो, चाहे गीता के रूप में देख लो, भगवान एक है। और हमने इन तमाम बातों से ऊपर रहकर अपनी बात करनी है, अपने लोगों की बात करनी है, इस देश की बात करनी है। इस बात यह है कि बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है, बेशक तीसरी बार सरकार आ गई है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी की लोकप्रियता देश के लोगों में बढ़ रही है, सरकार में आना, आप धन बल से सरकारों में आ सकते हो, इधर उधर को किसी चीजों का इस्तेमाल करके आप आ सकते हो, लेकिन लोगों के मन में जगह इस बार राहुल गांधी जी की बनी है। लोग ये महसूस करते हैं अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते, ये आम नौजवानों की भावना है। राहुल गांधी बात क्या करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि आप राष्ट्रपति जी का भाषण करो, हम इससे चर्चा करेंगे, हम तैयार हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो 23.5 लाख नौजवानों के साथ नीट के एग्जाम पर जो धोखा हुआ है, जो 5 साल 7 साल में, पिछले 7 साल की बात कर रहे थे कि मेरे को लगता 50 से ज्यादा बार इस देश के अंदर पेपर लीक हुआ है, हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, दिन रात बच्चों ने मेहनत की है, और उनका क्या होगा, आओ अब इन पे ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये तमाम बातें